आप एक काम करो ना, कुर्सी से ओके आर यू कंफर्टेबल? यस सर, आई एम कंफर्टेबल। तीन माइक से हाथ में, नो प्रॉब्लम। यू वांट मी टू होल्ड एनी? ओके ओके सर। जैसे कि दिवाली तो सर हर बार आती है, आप किस तरीके से मनाते हैं? एंड मेरा सवाल ये है, इस बार जो है ओके सर, जैसे कि दिवाली भी आने वाली है सर, किस तरीके से आप दिवाली मनाते हैं? और इस बार मेगा भी बिग बॉस के अंदर है, तो आप कितना मिस कर रहे हैं? अब बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली हम लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। एंड जितने भी दिन दिवाली रहती है, उस दिन हमारे यहाँ पे अलग अलग डेकोरेशंस रहते हैं, अलग अलग रंगोलीज रहते हैं, अलग अलग खाना बनता है। देर आर लॉट्स ऑफ गेस्ट हु कम टू आवर हाउस, तो वी एंजॉय विद देम। कराओके सेशंस होता है, सो आर दिवाली इज ऑलवेज रॉकिंग। इनफैक्ट ऑल फेस्टिवल्स इन आर हाउस आर रॉकिंग। सो इफ मेघा इज नॉट देयर, इट्स गोइंग टू बी अ बिग वैक्यूम फॉर अस। इनफैक्ट ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू मिस हर। और इस तरीके कितना क्या अलग करने वाले, जैसे कि मेगा बिग बॉस में बनाने वाले हैं इस बार दिवाली, तो बाहर से क्या प्यार देने वाले हैं आप? ये टाइम पे हम लोग लैंटर्न्स खुद बनाएंगे, बिकॉज ये ऐसा वक्त है जहाँ पे यू नो मेघा का थोड़ा बहुत टच घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। सो दिस आई एम, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम गोइंग टू आउटसोर्स। थोड़ा यानी जो फराल रहता है, बिकॉज माई मॉम इज़ क्वाइट ओल्ड, शी कांट मेक एवरीथिंग। कुछ चीज़ें तो घर पे बनाएंगे, और रंगोली साक्षी इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर दैट। Vedant is going to look after you know firecrackers and some lightings and all that stuff, so the work is little bit distributed this time. इसी के साथ में मेगा बहुत अच्छा कर रही है बिग बॉस के अंदर। बिग बॉस मराठी के ऑलरेडी वो विनर हैं, अब नाउ हिंदी भी हमें गई हैं, आप हिंदी सीजन में गए, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? नो, इनफैक्ट आई लुक एट इट इन सच अ वे दैट पहले वो स्टेट लेवल पे थी, एंड नाउ शी इज मूव्ड अप एट अ नेशनल लेवल। आप कोई भी गेम देखे, कोई भी डायरेक्ट नेशनल लेवल पे जाता नहीं है, पहले स्कूल में खेलता है, बाद में कॉलेज में खेलता है, देन ही मूव्स एट अ स्टेट लेवल, एंड देन ही स्टार्ट्स प्लेइंग एट अ नेशनल लेवल। सो आई लुक एट इट इन दैट वे, एंड फॉर मी नाउ सिंस ही इज बीन अ विनर फॉर बिग बॉस मराठी, आई फेल्ट शी इज मोर देन एलिजिबल टू यू नो बी पार्ट ऑफ हिंदी बिग बॉस। And going forward, she also has a potential to go in Big Brother. Yeah, sir. इसी के साथ में हर बार उनको taunt दिया जाता है कि ये कैसे winner हैं, ये ऐसे हैं, जिस तरीके से आपने देखा, तो उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो बार बार उनको इस चीज़ के लिए taunt करते हैं? देखो, वो जो winner बनी है ना, वो ऑडियंस ने उनको सिलेक्ट किया है, राइट? और उसी चैनल जो एंडेमॉल चैनल है, कलर्स चैनल है, बेसिकली उन्हीं का वो शो है। तो बाय सेइंग ऑल दीज थिंग्स दे आर डिसरिस्पेक्टिंग द एंटायर ऑडियंस एंड ऑल्सो बिग बॉस फॉर्मेट। अगर उनको ऐसा लगता है तो लेट मी टेल देम दैट दे आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर द सेम शो टुडे। दे आर कॉन्टेस्टिंग इन द सेम शो, बिग बॉस हिंदी। आई डू नॉट डिफरेंशिएट व्हेन इट कम्स टू विनिंग। देर इज नो डिफरेंशिएशन व्हेन इट कम्स टू बिग बॉस हिंदी और बिग बॉस मराठी। द ऑडियंस इज द सेम। हाँ, वो पहले स्टेट्स लेवल पे था, नेशनल लेवल पे और ज़्यादा लोग देखेंगे, बट आई एम श्योर बिग बॉस मराठी भी उतना ही बड़ा शो होगा गोइंग फॉरवर्ड। ओके सर, इसी के साथ में मेघा किचन संभाल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? ओह, शी इज़ अ फैंटास्टिक कुक, एंड वो एक्चुअली डिस्ट्रेस होने के लिए किचन संभालती है, बिकॉज आई हैव सीन दैट। आई मीन, यू गो थ्रू लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, यू गो टू टास्क, एंड मेघा विल गिव 200% ऑन एवरी टास्क इफ़ यू एक्चुअली सी। जैसा उन्होंने जो फर्स्ट टास्क किया, वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट क्रिएट की कि आई एम देयर, एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड हर हर टास्क, हर फाइटिंग स्पिरिट। तो शी इज़ गॉन देयर टू विन दैट। नाउ वेन यू डू ऑल दीज थिंग्स, यू ऑल्सो हैव लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस, राइट? यू नीड सम काइंड ऑफ अ डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी, एंड कुकिंग इज हर बिगेस्ट डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी। ओके सर, जाने से पहले क्या टिप्स उन्होंने आपने उनको दी, उनको बिग बॉस हाउस में एंटर करने से पहले, कि इस बार ऐसा करना है, इस बार ये? अगर मैं उनको टिप्स देता था तो मैं ही वो हाउस में रहता था, या तो फिर मैं बिग बॉस होता था। सो मैंने उनको कोई
टिप्स नहीं दी है. शी इज़ गोइंग टू यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ गॉन देयर टू एंटरटेन द ऑडियंस बिकॉज वी यूज टू गेट मैसेजेस. मुझे पर्सनली काफ़ी फैंस बोलते थे कि नहीं, आई वॉन्ट टू सी मेगा, वी आर मिसिंग हर. ओके, एंड दिस वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी इन बिग बॉस, एंड पीपल वॉन्ट टू सी हर एक्चुअली इन बिग बॉस. दे आर मिसिंग हर गुड मॉर्निंग बिग बॉस एंड ऑल दैट स्टफ, वॉट एवर शी यूज टू डू देयर इन द शो. सो आई वॉज द वन हु टोल्ड हर नो, प्लीज गो अहेड, बिकॉज अर्लियर शी वॉज इन टू माइंड्स, बट इट्स स्पेशली फॉर मेक्स्टर्स एंड द ऑडियंस, शी इज़ देयर इन द शो, बट एट द सेम टाइम शी इज़ गॉन देयर टू विन. ओके सर, इसी के साथ में क्या लगता है आपको कि मेगा को किससे दोस्ती बनानी चाहिए और किससे घर में दूर रहना चाहिए? नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ ये, बिकॉज इट इज़ टू अर्ली फॉर मी टू इवन कमेंट ऑन दैट. बट येस, आई फील केवी इज़ गुड, बिकॉज इफ आई हैव ऑब्जर्वड हिम, ही इज़ अ थरो जेंटलमैन. ओके, बट स्टिल आई वुड लव टू वॉच द एंटायर कंटेस्टेंट्स बिहेवियर. जितने भी वहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं उनका कंसिस्टेंसी मुझे देखना है अंडर वेरियस टास्क, राइट? तभी अपने को पता चलेगा कौन कितना खरा है उसमें. देन डिपेंडिंग अपॉन दैट, एंड बाहर बैठ के हम लोग इतना कुछ किसी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज. इट्स अ 24 आवर्स वो चालू रहता है, एंड व्हाट वी गेट इज अ 1 आवर एडिटेड वर्जन, राइट? उसमें बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं, perspectives could be different, the context could be different, so I can't comment on that. Okay sir, इसी के साथ में श्रीशांत भी मतलब काफ़ी वायलेंटली खेल रहे हैं, मतलब उनके बिहेवियर के बारे में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को बाहर जो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहे हैं? जिस तरीके से मेरी अभी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने एक रिव्यू करा, तो लोगों ने उनके बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें करी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जिस तरीके से कर रहे हैं सर, वो सही है क्या? देखो, मैं उनका बहुत बड़ा क्रिकेटिंग फ़ैन हूँ, राइट? एंड मैं उनके हित के लिए बोल रहा हूँ कि आई थिंक ही शुड यू नो काम डाउन अ बिट. एंड ऐसा भी हो रहा है टू सम एक्सटेंट विच आई ऑब्जर्व दैट पीपल आर ऑल्सो यूजिंग हिम, द सम ऑफ द कॉन्टेस्टेंट्स, राइट? उसी के कंधे पे बंदूक रख के उनको ये कर रहे. सो देयर ही शुड यूटिलाइज हिज ओन ब्रेन, एंड देन प्रॉब्ली हिज गेम विल रियली रियली इम्प्रूव. हाँ, एज फार एज हिज शाउटिंग स्क्रीमिंग गोज, आई डोंट सपोर्ट दैट. ओके सर, इसी के साथ में हर बार बिग बॉस के घर में एक घर के एक सदस्य को, परिवार के एक सदस्य को घर में भेजा जाता है उनकी कुछ बातें बताने के लिए. अगर सर आपको उस घर में भेजा जाता है, सो ऐसी क्या बात है जो आप उनसे कहना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे? आई एम गोइंग टू मोटिवेट हर, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन एवरीबडी इज कॉर्नरिंग हर, शी इज फाइटिंग अलोन देयर, द बेस्ट थिंग फॉर हर इज मोटिवेट हर, बिकॉज पीपल विल थ्रो challenges on her, she is going to grow all the more stronger. I know her very well, but at the same time if we motivate her, she'll get charged up, right? वो तो वैसे भी खुद ही बहुत strong है mentally and you know and emotionally also she is very very strong. Okay, so I am not worried about that part, nobody can beat her there. Yes sir. Okay sir, इसी के साथ में lastly क्या कहना चाहेंगे sir? मेगा के फैंस से और देखने वालों के व्यूअर्स से. सो वी हैव अ फैमिली कॉल्ड मेक्स्टर्स, सो आई वुड रियली रियली यू नो रिक्वेस्ट ऑल द मेक्स्टर्स टू वॉच दिस शो, एंड प्लीज सपोर्ट मेगा इफ दे लाइक हर परफॉर्मेंस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज डू नॉट यू नो हियर अबाउट अदर र्यूमर्स दैट मेगा वहाँ गेस्ट एंट्री के लिए गई है, एंड देर आर सम यू नो नैस्टी थिंग्स रिटर्न बाय सम यूट्यूबर्स, which you know I may actually take action against them because they are not true. Yeah. Okay, that is my warning to these guys. Yeah. Right, and they are actually violating Indian IT Act by doing that. Yeah. So that is my warning to these guys, whoever is doing that. But you know, please mixers, do not you know hear them out, and please support Megha. And please give you know shower your blessings on her. Thank you sir.